तो क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस है, शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर, क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है, उसका चैप्टर का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, पहला यश भारत में फसलों के ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। बिल्कुल ठीक है, एक रबी होता है, तो दूसरा की बात करें तो खार खरीफ खड़ी होता है। ठीक है, फसल। ठीक है, एक रबी फसल है तो दूसरा क्या, खरीफ फसल है। ठीक है, इन फसलों के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसलें शीत ऋतु में, खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है जबकि रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, तो दो केवल सही है। ठीक है, क्योंकि खरीफ की फसलें में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है, कब बोते हैं खरीफ की फसलें, वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है, हालांकि जून ग्रीष्म जून ऋतु में, ठीक से है, जैसे सितंबर जून से लेकर सितंबर तक खरीफ फसल का मौसम होता है। इसमें मुख्यतः खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल के तौर पे आते हैं। ठीक है, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जिस फसल को उगाते हैं उसको गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंदर हो जाती है, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान रखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट के आपका सही है। ठीक है, कि जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना था, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। बात करेंगे इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंदर हो जाती है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, उपरोक्त तो सभी कथन सही है, जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जहां एक तरफ जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंदर होती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और ये जल प्रदूषण के स्रोत भी बनते हैं। रसायनों का उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D खरपतवार नाशी का एक अच्छा उदाहरण। अगर पूछेगा 2,4-D क्या है, तो 2,4-D खरपतवार नाशी का एक उदाहरण है। इन सभी में रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा में रसायनों की मात्रा को बढ़ा देता है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर तेल निम्नलिखित रूप से किस जीव से प्राप्त होता है, तो मछली में आपको कॉड लिवर का तेल आपको देखने को मिलेगा। मुख्यतः किसमें मिलता है, मछली में मिलता है। कॉड लिवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है, इनमें विटामिन ए और डी की प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है कॉड लिवर में, तो विटामिन ए और डी ए और दोनों आपको डी प्रचुर मात्रा में आपको होता है। मिलेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करेंगे सिंचाई के आधुनिक विधियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करें। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, बिल्कुल ठीक है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद पौधे की जड़ों पर गिरता है, इसलिए फलदार पौधे बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, जड़ पे नहीं गिरता, पौधे के ऊपर गिरता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती, तो यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम। ड्रिप विधि में जल पौधे की जड़ों में गिरता है, जिनकी वजह से पौधे इन जल पर सर्वाधिक उपयोग कर पाते हैं और जल की हानि न्यूनतम होती है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचों वाले पौधे देने का सर्वोत्तम है। ठीक है, सर्वोत्तम तरीका नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि यह सर्वोत्तम तरीका है। ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों पर गिरता है, इसलिए फलदार पौधे, ठीक है, बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है, जबकि सर्वोत्तम तरीका है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार नाशी छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है, तो केवल दो सही है, देखिए दो गलत है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला आपका सही है, मतलब खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। खरपतवार छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार पुष्पन एवं बीज के बनने के बाद का होता है, ये गलत है, क्योंकि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है, जिनकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते। अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाए तो कुछ बीज मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा चैप्टर, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इतने अवसर
सूक्ष्म जीवों और उनमें होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होते हैं, टाइफाइड और खसरा जीवाणु के द्वारा होता है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखें कौन सा कथन सही है। तो ध्यान में रखें एक और तीन स्टेटमेंट सही है, मतलब दो गलत है, क्योंकि खसरा जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है टाइफाइड और खसरा, ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड तो जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन खसरा जो होता है जीवाणु के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है? तो ध्यान में रखना विषाणु के द्वारा होता है, ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अतिसार और मलेरिया की बात करेंगे तो अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कथन एक और तीन सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि ठीक है खसरा जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु के द्वारा होता है। जुकाम इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होता है। जानवरों में गाय एवं खुर एवं मुख का रोग भी पाया जाता है। अब देखिए कौन बीमारी किससे होता है, खसरा की बात करेंगे विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है, पोलियो विषाणु से होता है, हेपेटाइटिस से विषाणु से होता है, क्षय रोग जिनको ट्यूबरक्लोसिस टीबी के नाम से जाना जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा की बात करें वो भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड की बात करेंगे तो वो भी जीवाणु से होता है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, अतिसार प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये सारे रोग के कारक होंगे। ओके उसके बाद संचरण का तरीका भी होता है, मतलब ये बीमारी फैलता कैसे है। तो खसरा जो है वायु के माध्यम से फैलता है, चिकन पॉक्स वायु या फिर सीधा संपर्क में आने से, पोलियो वायु या फिर जल से, हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे जल से, क्षय रोग जो होता है वायु से, हैजा दूषित जल और भोजन से हो सकता है, टाइफाइड की बात करेंगे जल से, मलेरिया को लाने के लिए मच्छर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अतिसार कैसे आता था, जल के माध्यम से आता था। मुख्यतः ये वाहक होते हैं, एक कारक होते हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी का कारक होता है वाहक होता है, वाहक जहां से बीमारी उठ कर आया, कारक जिनके वजह से बीमारी हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज ठीक है। दिया हुआ है, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे शैवाल प्रोटोजोआ कवक, उपयुक्त सूत्र कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात करें शैवाल बात करेंगे स्पाइरो गायरा है। ठीक है, और कवक की बात करेंगे तो राइजोफोस है। ठीक है, जो कि ब्रेड मोल्क में होता था, ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। बल्कि प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, उपरोक्त सूक्ष्म जीवों में स्पाइरो गायरा और ठीक है क्लेडोमाइडोमास शैवाल का उदाहरण। ठीक है, ये क्या है तो ध्यान में रखेंगे क्या है, ये शैवाल है। ठीक है, ये भी क्या है तो शैवाल है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है तो शैवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण अमीबा पैरासियम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अमीबा और पैरासियम क्या है, तो अमीबा और पैरासियम की बात करेंगे प्रोटोजोआ है, जबकि राइजोफोस ठीक है पेंसिलियम एस्पेलिजस कवक के उदाहरण है। ठीक है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशीय। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, एक कोशीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु है कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशीय, जैसे कि शैवाल एवं कवक। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से ठीक है किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, तो किसके वजह से, तो जीवाणु के वजह से होता है। जीवाणु लैक्टोबैसिलस क्या है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के मदद से होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध के जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब सूक्ष्म जीव मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। ठीक शत्रु है, भी। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद यीस्ट यीस्ट जिसको खमीर कहते हैं तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। इसी वजह से आप देखोगे तो बेकिंग उद्योग में खमीर का उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं, क्योंकि वो फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें। तो खमीर को क्या बोलते हैं, ईस्ट कहते हैं, क्योंकि जब उसको मिलाने के बाद क्या करता है, जनन की प्रक्रिया में तेजी हो जाती है और साथ में CO2 का उत्पादित करते हैं, इसलिए बेकिंग उद्योग में इसका मुख्यतः खमीर का ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे मिलाना है। तो मिलाना है तो चेचक का टीका का खोज किसने किया था, बताइए। जेनर जेनर एडवर्ड जेनर ने, पेनिसिलिन किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किण्वन की बात करेंगे तो किसने किया था, फर्मेंटेशन रॉबर्ट कोच फर्मेंट लुईस फर्मेंट एक्सन
लुई सर पाचर, और रॉबर्ट कोच ने किसे किया था, एंथ्रेसिस, बेसिलिस एंथ्रेसिस का था। एंट्रेस ए मिलाया उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ए का 3 ठीक है, बी का 4 ठीक है, ठीक सी का 2 भी ठीक है, और डी का 1 भी ठीक है। आप सोल्यूशन देख लीजिए क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से आएंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा एक काइंडली आप लोग को अनुरोध यही रहेगा कि जो भी दरोगा का एग्जाम देने जा रहा है वो एक बार एनसीईआरटी का, जो भी ज्यादा नहीं है ठीक है, एनसीईआरटी के साथ 100-150 पेज का है, पढ़ कर जाइएगा ठीक है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा ठीक है। हालांकि मैंने 6-7 करा दिया है, 8 टच करवा ही दूंगा ठीक है। चीनी के अल्कोहल के परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पाचर ने किण्वन की मेथड को 1857 में खोजी थी ठीक है, किसने खोजी थी, लुई पाचर ने किण्वन को ठीक है। पेनिसिलिन के खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। पेनिसिलिन एक प्रतिजैव की है ठीक है, एंटीबायोटिक जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। एस्ट्रोपोमाइसिन ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और ठीक है एरिथ्रियोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैव के, जिन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है ठीक है। किसे उत्पादित करते हैं, कवक और जीवाणु से ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा 1798 में की गई। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं ठीक है। यही अवधारणा टीकों के विकसित करने का भी आधार है ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए जिस जिस रोग से, जैसे मान लीजिए कोई कोई ऐसा रोग है जो कि जीवाणु की वजह से हुआ है, तो जीवाणु का ही मरा हुआ रूप शरीर में प्रविष्ट करवाते हैं ठीक है, जिससे मतलब क्या होता है उसी को नष्ट कर देता है ठीक है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में ठीक है बेसिलेज एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। एंथ्रेक्स ठीक है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक खतरनाक रोग है। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलेज एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की। चेचक का टीका जेनर के द्वारा 1798 में खोजा गया, और पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की ठीक है। लुई पाचर ने 1857 में किण्वन की खोज की थी ठीक है। ये सारा महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप लोग मन हो तो याद कर सकते हैं। अब चलेंगे आगे ठीक है, मिलाना मिलाइए क्या सही लग रहा है, कौन कौन गलत है, निम्न कौन सा सही सुमेलित है। तो हैजा की बात करें घरेलू मुखिया है, जबकि डेंगू की बात करेंगे तो मादा एनोफिलीज मलेरिया के लेकर होगा, एडीज मच्छर जो था डेंगू के लेकर होता, उल्टा कर दिया है। घरेलू मक्खी हैजा के वाहक का कार्य करती है जो कि ठीक था। मादा सिर्फ एनोफिलीज एक मलेरिया की सही है। परजीवी है ठीक है, मादा एनोफिलीज मलेरिया का है ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मादा एडीज की बात करेंगे तो डेंगू डेंगू होता है ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ गया, मतलब उल्टा कर दिया, मलेरिया इधर जाएगा ये इधर जाएगा, आमने सामने नहीं लिखा, इसलिए आपका केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 या 3 जो था गलत दिया हुआ था। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कवक की वजह जीवाणु की वजह से होता है। गेहूं की रस्ट की बात करें कवक की वजह से, भिंडी का पित्त विषाणु की वजह, कौन सही है। तो सारे के सारे युग्म जो है आपके सुमेलित। नींबू का कैंकर की बात करें जीवाणु से होता है, गेहूं का रस्ट रोग की बात करें कवक से होता है, भिंडी का पित्त रोग जो होता है विषाणु की वजह से होता है ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट याद रहेगा। नींबू का कैंकर रोग किसके वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, याद रखेंगे। गेहूं का रस्ट रोग कवक की वजह से होता है, भिंडी का पित्त रोग जो होता है विषाणु की वजह से होता है ठीक है। यहाँ पे फिर से बोल दे रहा हूँ ठीक है, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु ठीक है, संचरण का तरीका क्या, मैंने बोला सबसे पहले क्या होता है, एक कारक होता है एक वाहक होता है ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कारक होते हैं ठीक है, जिस माध्यम से फैलता है उसको क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। तो कहाँ से फैलता है, वायु से फैलता है, गेहूं का रस रोग कवक है ठीक है, कहाँ से फैलता है, वायु एवं बीज से। भिंडी का पित्त की बात करें विषाणु है ठीक है, वाहक का तरीका क्या है, तो कीट होता है ठीक है। मतलब जो बीमारी को लेकर आएगा वो क्या कहलाएगा, वाहक होगा, और जिसकी वजह से बीमारी होगा वो क्या कहलाएगा, तो कारक कहलाएगा ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। खाद्य परीक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा 22 सल्फाइड सामान्यतः खाद्य परीक्षक है। सोडियम बेंजोएट तो आप लोग पढ़ते हैं ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए एक चर्चा दिया है, सोडियम मेटा 22 सल्फाइड ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बात करें नमक चीनी खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षक के तौर पे किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप मुरब्बा वगैरह बनाते हैं उसमें चीनी वगैरह डाल देते हैं, लंबे समय तक रहता है। अचार बनाने में ठीक है क्या था? नमक डाल देते ताकि अचार ना खराब हो, तो सबके सब क्या खाद्य परीक्षक है, सिरका का भी प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसका देखिएगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए मैंने बोला सर सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का याद रख ले, क्योंकि सोडियम बेंजोएट तो खाद परीक्षक के रूप में प्रयोग होता बहुत पुराना है ठीक है।
अब एग्जाम में पूछ सकता है सोडियम बेंजोएट ऑप्शन ना हो तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, देखिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है कि नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, एक सुंदर सा खाद्य परीक्षक है, ठीक है, दोनों ही कथन क्या है अपने रूप में सही है। सूक्ष्म खाद्य पदार्थों को संदूषित करते थे, खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचने के लिए खाद्य परीक्षकों का उपयोग किया जाता है, सामान्य परीक्षक के रूप में गैस जैव एवं विशेष बनाने के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। उदाहरण, नमक, खाद्य तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए करते हैं, डालते हैं ना, बहुत पुरानी भारतीय परंपरा है, अचार में देखिएगा नमक डालते हैं, जैसे ही नमक डालते हैं अचार की क्या होता है, वो जल्दी पकने लगता है और खाने योग्य बन जाता है। नहीं, चीनी का उपयोग जैम बनाने के लिए करते हैं ना, कोई जैम खरीद के लाइए, टमाटो जोमेटो जो भी किसान वगैरह देखेगा उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। जेलिए में स्क्वेयर आदि परीक्षण के लिए भी किया जाता है। अब आते हैं पाश्चरीकृत, सब पाश्चरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जो प्लास्टिक वाला दूध जो आपको जो मार्केट में मिलता है क्या होता है, तो दूध का पाश्चरीकरण किया गया है, ठीक है, वो दूध क्या है, पाश्चर किया गया है, ठीक है। अब पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पहला, दूध को पाश्चरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट गलत है। गर्म करने और फिर एकाध ठंडा करने से उसका भंडारण हो जाता है, ठीक है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव सेकंड का मतलब क्या ऑप्शन, होता है, सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो रही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 15 से 30 मिनट नहीं करते हैं, कितना करते हैं, सेकंड तो पंद्रह सेकंड से ध्यान सेकंड रखे 15 से 30 सेकंड सेकेंड रखे करते थे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सर, एक बार 15 सेकंड केवल देखा था, केवल क्या 15 सेकंड था सर, 70 डिग्री पर केवल 15 सेकंड दे रहा था एग्जाम। दे दिया वो कहीं कहीं पर ऐसे हाँ, तो एनसीईआरटी पंद्रह के से बुक तीस में सेकंड पंद्रह से ठीक तीस है, सेकंड रहता, इसमें गलती नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सही है। गर्म करके फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, ऐसा करने से सूक्ष्म जीव को वृद्धि रुक जाती है, तो कथन दो जो है गलत है। इस प्रक्रिया के खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक की थी, इनके नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपका जो मार्केट में जो दूध मिलता है, ठीक है, वो इसी प्रक्रिया के तहत आपको मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित घटनों पर आपको विचार सही नहीं है, सो विचार करना है, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं व नीरे हरे वाले अमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका अवशोषण पौधे करते हैं, ठीक है। दूसरा है पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं के मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। क्या इसमें गलत लग रहा है, मतलब सही नहीं है, बताइए। ये तो सी गलती सही है है, सर, सी होगा ये डी, पौधे एवं जंतु की मृत्यु के होगा, बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक जी सर, अवशेष को नाइट्रोजन में ठीक है परिवर्तित सर, करके पौधे द्वारा, ठीक, डी गलत है, ठीक है, ध्यान रखें कौन गलत है, डी जो है इसका गलत है, क्योंकि कुछ अवशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है, ये नहीं होता, ठीक है, देखेंगे सर पौधे एवं जंतु। अभी जो देखो था रोनाल्ड, कौन था कोच वाला जो था, रोनाल्ड कोच या रोबोट कोच वाला, जो एंथ्रेक्स बोल रहे थे, तो इसमें दिया है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम आपको भेजे स्क्रीनशॉट, तो हम इसमें देखे आप लुईस भेजे पास्टर आंसर दिया है, लुई पाश्चर, उसमें क्या लेकिन था, इसमें उसमें रोबोट क्या कोच था, दिया होगा, क्योंकि रोबोट कोच टीवी का किया था हमको जहां तक याद है। हाँ टीवी का तो ठीक तो है, किधर था वो प्रश्न, 2 3 क्वेश्चन पहले था, ऊपर था सर, ज्यादा पे, हाँ यही सही का था, यही सही का था, यही बेसिलस एंथेसिस, ठीक है, बेसिलस, इसमें क्या दिया हुआ था, लुई पाशर ने किन्वम का चीचे कीट हो गया, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस है, ठीक है, देख लीजिए सर्च करके बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने की थी, सर्च कीजिए इसको, ठीक है, बेसिलस जी सर, एंथ्रेसिस की जी खोज किसने
किसने की थी 1876 में, और एनसीईआरटी का किताब में भी देख सकते हैं, 8 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पौधे कैसे? एवं जंतु या मंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम, नीले हरे शैवाल तथा कभी कभी त्वरित विद्युत विद्युत द्वारा यह मंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इन यौगिकों का अवशोषण करके प्रोटीन एवं अन्य यौगिक, ठीक है, संश्लेषण करते हैं, जिनका उपयोग पौधे एवं निर्भर जंतुओं के द्वारा किया सर जाता है। सही है पौधे और सर, जंतुओं रॉबर्ट की कोच ही दे रहा है सर, रॉबर्ट कोच दे रहा है 76 में, 1876 में गूगल पे भी। अच्छा ठीक है, तो देख लेंगे किताब, देखते हैं क्या हो सकता है गलत दे दिया, लेकिन सॉल्यूशन में भी गूगल भी सही तो दिए दे रहा है हुए। सर, गूगल भी तो यही दे रहा है, जो बुक में दिया वही दे रहा है गूगल भी, रॉबर्ट कोच ने ही खोज मतलब किया ये था। सही है कि गलत है ये, मतलब यहाँ पे जो सही है दिया सर, हुआ सही है सही है। है। मतलब एक देखिए क्वेश्चन था जो हम आपको सर भेजे हैं स्क्रीनशॉट, इसमें देखिए क्या लिखा है ये ना कि सर। एंथ्रेक्स के विरुद्ध टीकाकरण की खोज किसने की, तो इसमें क्या देंगे हम, इसमें रॉबर्ट कोच, लुईस पास्कर उसमें दोनों होते हैं। बैसिलस बैसिलस लगा हुआ था, ठीक है, हाँ बैसिलस एंथ्रेक्स तो बैक्टीरिया है ना सर, वो तो बैक्टीरिया का नाम है। तो क्वेश्चन क्या ठीक कर रहे है सर, एंथ्रेक्स देख। के विरुद्ध हाँ विरुद्ध है, चलिए, विरुद्ध दूसरा है तो क्वेश्चन अलग बन गया सर। क्वेश्चन ही अलग है सर, वो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा चलिए ठीक क्वेश्चन है, है। इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन इसमें गलती बहुत कम है, इसमें गलती, क्योंकि पूरा ना पूरा ठीक है किताब सर, ठीक से। है, इनका ठीक क्वेश्चन है, दूसरा सर, चलिए, मृत्यु सर के बाद इनका मिट्टी दूसरा में है, उपस्थित, उससे चलिए विरुद्ध बंद पूछ कीजिए रहे उसको, हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवकों द्वारा नाइट्रोजनी अवशिष्ट और नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिनका उपयोग पौधे पुनः कर लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिणामतः यह मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा अंतिम चरण कुछ सबसे जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को परिवर्तित किया जाता है, जबकि इसमें क्या दिया था, पेड़ के द्वारा कुछ अवशिष्ट पौधे एवं, ठीक है, जंतु दिया था, ठीक है, जबकि क्या होता है, पौधे एवं जंतु नहीं करते परिवर्तन, कौन करते हैं, कौन करते हैं, तो जीवाणु करते हैं, ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, प्रणहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। अब चलेंगे आगे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, चैप्टर नंबर 3, कपास, पेट, प्लास्टिक, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, बताइए। ठीक ये हुआ सर कपास है, कपास है, तो केवल का केवल कपास होगा, बहुलक छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है, यह प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है, सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं, ऊन, रेशम तथा चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक मुख्य रूप से या तो पौधा से मिलेगा या फिर मतलब किसे मिलेगा, जंतु से मिलेगा, ठीक है, उसको बना नहीं सकते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। पेट एक संश्लेषित बहुलक है, पेट क्या है, तो ध्यान रखें कि संश्लेषित बहुलक है जो पॉलिस्टर का, ठीक है, सुपरिचित उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म तार तथा अन्य उपयोगी उत्पाद का बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बाथ टब वगैरह देखिएगा, छोटा छोटा हम लोग खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक का सब पेट का ही बनता है। ठीक है, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, पॉलिथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है, मतलब पर्यावरण के साथ इसका व्यवहार जो है कैसा है, मित्रवत नहीं है, ठीक है, क्योंकि खराब होने में काफी वर्ष का समय लग जाता है। देखेंगे, सूची 1 एवं 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। ठीक है, रेयॉन की बात करेंगे तो ये कृत्रिम रेशा कहलाता है, नाइलोन की बात करेंगे बताइए किसका होता है, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, टेरिलिन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका ऊन, स्वेटर तथा शाल बनाने में होता है, ठीक है, और ये जो आएगा इधर जाएगा, एक्रेलिक की बात करें, इसका निर्माण कोयले में होता है, मिला लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ए ऑप्शन है, 1 का 2 ठीक है, बी का 1 लिया है, ठीक है, सी का 3, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, फिर से मिलाता हूँ, 1 का 1 होगा, 1 का 2 दो का है, ठीक एक है, रेयन का 2 ठीक था,
बी का वर्ड दो है का है। नाइलोन का वाक्य, इसका उपयोग कोयले जल और वायु के निर्माण, इसका निर्माण कोयले जल और वायु से किया जाता है, ठीक है। सी का थ्री और दिया इसका है, सी थर्ड का थ्री यह ये है पॉलिस्टर है। पॉलिस्टरेटरीलेन, ठीक है। इसका ऊपर एक्रेलिक का उपयोग जो होता है आपका विंड स्वेटर तथा शाल बनाने में किया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा रेयन नाइलॉन टेरिन एक तथा, ठीक है, एक्रेलिक सभी संश्लेषित ऐसे हैं। रेयन कृत्रिम रेशा कहलाता है, इसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से मतलब क्या होता है, तो सस्ता होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। नायलोन का निर्माण कोयले जल और वायु से किया जाता है, 1 मिनट रुकेगा। ध्यान में रखें, नायलॉन का निर्माण कोयले जल और वायु से किया जाता है, यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रबलता के मामले में नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, ठीक है। नायलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से अधिक प्रबलता होता है। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर रेशों से निर्मित कपड़ों पर आसानी से सिलवटें नहीं भरती है। एक्रेलिक का उपयोग विन स्वेटर शाल और कंबल बनाने में किया जाता है, इससे बनी वस्तुएं कीमत में सस्ती होती है तथा इसका रख रखाव क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब अतः आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान मतलब कपड़ा, परिधान का मतलब कपड़ा, पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, किसकी होती है, मेलानाइन, मेलामाइन की होती है, किसकी परत होती है, ये कई बार पूछता है एग्जाम में, मेलामाइन की होता है, ठीक है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलानाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलानाइन आग प्रतिरोधक है तथा ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने का अधिक क्षमता रखता है। बैकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, ये बिजली के स्विच, ठीक है, विभिन्न बर्तनों एवं हत्थे आदि बनाने में काम होता है। पॉलिस्टर की बात करेंगे तो पॉली प्लस एस्टर, एस्टर की इकाइयों के पुनरावृत्ति से बना होता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों और उनकी गंध प्रदान करते हैं। टेफ्लोन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल तथा जल नहीं चिपकता, यह भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाले परत लगाने में काम आता है, टेफ्लॉन, ठीक है। अरे वो नहीं हम लोग पर करते हैं कुकर वगैरह के, देखिएगा काला काला जो रहता है किसका बना रहता है, किसका होता है, वो टेफ्लॉन टेफ्लॉन का होता है, का बिल्कुल, ठीक है। अब चलेंगे चौथा नंबर चैप्टर जो है पदार्थ वायु और अधातु, पदार्थ धातु और अधातु, सॉरी, निम्नलिखित धातु में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में होता है, तो कौन होता है, मरकरी, मरकरी। जिनको हम लोग पारा के नाम से जानते हैं। कमरे के तापमान किस अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। मरकरी केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है, इसको इसलिए हम लोग चाकू से भी चाकू काट सकते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को भी काट सकते हो और आप पोटेशियम को भी काट सकते हो। कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम या में खुला रखने पर उनपे हल्का रंग, हल्का हरा रंग, ठीक है, हल्का हरा रंग जमा हो जाता है, ये पदार्थ निम्नलिखित में से किससे होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। जब आप कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम आयु में खुला छोड़ देंगे तो इस पर हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला क्या था, Cu(OH)2 तथा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है, किसमें पकड़ लेगा आग, फास्फोरस में। फास्फोरस में पकड़ लेता है, ठीक है। मनुष्य के खोपड़ी में भी फास्फोरस आपको देखने को मिलता है। घर में सामान्यतः फास्फोरस का क्या प्रयोग होता है, हम लोग दैनिक इसमें प्रयोग करते हैं क्या, सब करते होंगे, आज रात में भी किए होंगे, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा क्या चीज में करते हैं। सलाई दिया सलाई में सर दिया सलाई में करते हैं। कौन सा फास्फोरस यूज लाल होता है, फास्फोरस कौन सा फास्फोरस यूज होता है, लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फास्फोरस आयोडीन और ब्रोमीन तीनों अधातु है, फास्फोरस भी है, आयोडीन भी है, ब्रोमीन तीनों अधातु है। समानता अधातु की बात करेंगे तो चमकदार नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, लेकिन एक आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, ठीक है। अधातु समानता अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये देखिए वो वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं, इन तीनों फास्फोरस बहुत ही सक्रिय धातु अधातु है, ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस या मंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसीलिए उसे कहां पर रखते हैं, जल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से संपर्क होगा तो क्या होगा, तो उसमें आग पकड़ लेगी। जल ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो एग्जाम में देखिएगा धातु पूछ रहा है क्या, धातु पूछ रहा है, धातु पूछेगा पारा होगा, और धातु पूछेगा तो आंसर ब्रोमीन होगा, क्योंकि दोनों दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु पूछेगा तो आंसर क्या होगा, पारा होगा, धातु पूछेगा तो आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, याद ब्रोमिन। रखेंगे।
सोडियम एक धातु जो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित करके रखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील फास्फोरस कौन होता है? लाल फॉस्फोरस श्वेत, ही होता है वही सर, होता है ना सर, सफेद श्वेत, वाला सर, सफेद वाले पकड़ लेता, जल्दी आग पकड़ व्हाइट लेता, हवा व्हाइट संपर्क फॉस्फोरस, में व्हाइट होता जी सर, सबसे व्हाइट अधिक व्हाइट मतलब फॉस्फोरस, ज्वलनशील। वही व्हाइट बोले सफेद बोले हाँ सेम ठीक बात ही है मैम। बोलता, हाँ वही वही ठीक। सोने के, ठीक है, पुराने आभूषण चमक लाने हैं तो पॉलिश किया जाता है। पॉलिश लेने के बाद आभूषण का वजन पुराने से क्या होता है भाई साहब, तक कम हो जाएगा, कम जाहिर हो सी जाता बात है, है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सोने के पॉलिश के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण के ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने तो लगते हैं परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए कभी भी देव उसको पॉलिश करने के लिए ऐसा ना बोले से इसने उसमें से कुछ रख लिया है, ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा सा क्या होता है, झड़ कम हो जाता है, ठीक है। जाता तो विश्व का तेल, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ प्रभेदित ड्रिल किया गया था? कहाँ? पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल ठीक है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया कहाँ पेंसिल पे पड़ेगा? तो पेंसिल्वेनिया आपका अमेरिका का एक राज्य है, ठीक अमेरिका है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 8, ठीक है। यहाँ पे विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया, ठीक है। इसे 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर, ठीक है, पहला तेल का पता चला, ठीक है, ध्यान रखिए। भारत में तेल कहाँ पर मिलता है? असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, बॉम्बे हाई में मिलता है, अब गोदावरी और कृष्णा नदी की बेसिन में भी पाया जाता है, ठीक है। अब भारत का पहला तेल वाला क्षेत्र जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। मौत और अन्य कीटों को भगाने के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं? कोलतार होता है, ठीक है, नेथलीन की गोली प्रयोग जी करते हैं ना हम लोग जो पेटी वगैरह में जो डाल देते हैं अपना, क्या बोलते हैं, ट्रॉली वगैरह में, नेथलीन की ही गोली जी होती है ना, जी जी। नेथलीन की गोली में गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है सर? उर्दुपातन है सर, उर्दुपातन उर्दुपातन उर्दुपातन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो केवल आपका कपूर में ही उद्रपातन की गुण नहीं होता, नेफ्थलीन की गोली में भी होता है, जो कि स्वतः ही मतलब क्या ठोस से डायरेक्ट मतलब किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित गैस हो जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां कोलेतार से प्राप्त की जाती है, कोक कोलतार और कोल जैसे कोयले से प्राप्त का उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संप्रेरित करके प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, सीएनजी, संप्रेरित करके प्राप्त है, इसलिए इसका होता है संप्रेरित मतलब कंप्रेस करना, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म सीएनजी का? कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस, गैस, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड बिल्कुल, ठीक नेचुरल है। गैस भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र में मिलता है प्राकृतिक गैस? बाड़मेर में मिलता है, कहाँ पे मिलता है? बारमेर बाड़मेर में, ठीक है, बारमेर महाराष्ट्र में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, सही सी बात, सभी है जिसमें सभी सारे ही सर, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कहाँ से प्राप्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, ईंधन जो होता है जंतु पेड़ पौधा के जीवाश्म से प्राप्त हो, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी, सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के परिष्करण से, पेट्रोलियम का जब परिष्करण करते हैं उसे क्या प्राप्त होता है? डीजल प्राप्त होता है, सभी मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, स्नेह होता है, सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है, सभी के सभी। अब देखेंगे विभिन्न टेम्परेचर पर इसको क्या क्या परिसंसन किया जाता है। अब कहाँ पे करते थे इसके लिए आपको देखेंगे, रिफाइनरी होता है, क्या होता है, रिफाइनरी होता है। रिफाइंड रिफाइनरी में पेट्रोलियम का परिसंकरण किया जाता है, उसे डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, पैराफिन मोम प्राप्त होता है, शनायक तेल प्राप्त होता है, और अंतिम का जो चरण का उत्पाद जो होता है उसे मतलब रोड बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्नेहक वगैरह जो देखती है महिलाएं का जो, सॉरी, कॉस्मेटिक उत्पाद जो बनता है वो भी कहीं ना कहीं से पेट्रोलियम का ही बना होता है, इसलिए किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद से क्रीम वगैरह में आग लगाइएगा ना, स्वतः उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। महंगा से महंगा क्रीम में आग लगा के देखिए, उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, उस पर वार्निंग में भी लिखा होगा पीछे में, ठीक है। वैसलीन क्या है? पेट्रोलियम का उत्पाद है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली कहते जो यूज हैं करते हैं। उपयुक्त सभी पेट्रोलियम के परिसंकरण से प्राप्त उत्पाद है। इसके अलावा पेट्रोल, डबी पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन एवं भी पेट्रोलियम के परिसंकरण से ही प्राप्त होता है, ठीक है। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है, दहन और ज्वाला। देखिए क्या प्रश्न है, तो पदार्थों के दहन, ठीक है, पदार्थों के दहन, कंजप्शन और ज्वलन ताप
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पदार्थों के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, हम जलाओगे ऑक्सीजन के पदार्थ को जलाओगे तो उसके लिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा नहीं, और जब पदार्थ को आप जलाएंगे तो उसमें ऊष्मा भी होगा और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है। ज्वलन ताप वो न्यूनतम ताप है जिसमें पदार्थ, ठीक है, जिसमें जलने दाह लगता पदार्थ ईंधन में आग पकड़ जाता है। ठीक है, फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान, फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो सकता है, क्या सही है? तो सारे के सारे सही है। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस ज्वलनशील काफी होता है, इसलिए कमरे के ताप पे ही इसका हो जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। दहन की प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसका अगर जांच करना है तो दिया जो होता है, दिया नहीं होता उसको जला दीजिए, उसको ढक दीजिए ऊपर से, फिर लालटेन में से देखिएगा ऊपर से थोड़ा सा छोरा जाता है ना निकलने के लिए, चिमनी टाइप का, ऊपर से उसको बंद कीजिएगा तो लालटेन क्या होता है, बंद हो बुझ जाता है, जाता क्योंकि बिना ऑक्सीजन से जलन की प्रक्रिया हो नहीं सकती है। वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के तापमान ही, मतलब वायु की उपस्थिति में जल जाता है, अधिक उसको ताप चाहिए नहीं। कमरे का तापमान कितना होता होगा, जो भी होगा 16-18 डिग्री सेल्सियस जो भी होता होगा, 18-20 होता होगा जो भी अप्रोक्स में, क्योंकि तो मनुष्य के रहने के लिए बेस्ट वही होता है, तो उसी टेम्परेचर ही आपका क्या होता है, जल जाता। निरापद सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयोग करना है। इसकी तिलीप के सिरे पर, ठीक, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ठीक है, बात करेंगे इसके रगड़ने वाली सतह पर पूर्णतः कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है, पहला सही है। ठीक है, पहला सही है। देखिए, निरापद माचिस मतलब सेफ्टी माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफेद फास्फोरस का उपयोग भी होता था, परंतु हानिकारक प्रभावों के कारण निरापद माचिसों का उपयोग अब बंद हो गया है। निरापद माचिस को रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित, ठीक है, कांच का थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है, ठीक है, जो कम खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा का लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, जब माचिस की तीली के खुरदरी सतह पे जब रगड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से, ठीक है, अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, इसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले श्वेत फास्फोरस का यूज करते थे जिससे मतलब कि ज्वाला निकलती थी, कभी कभी वो खतरनाक भी हो जाता था, इसलिए लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माचिस के तिली पे क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, साथ में आप ध्यान में क्या रखोगे, तो सिरे पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट भी क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, इसमें दो चीज नया आपको पता चला ना, जनरली हम लोग क्या लाल फास्फोरस पढ़ते रहते हैं, लेकिन और भी चीज होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, और जाएंगे एग्जाम ये सब पूछेगा तो बोलेंगे फास्फोरस पढ़े थे, यहाँ पे क्या पूछ दिया, था ही नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। ठीक है, क्या बताएंगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, आग बुझाने वाले का कारण वायु ऑक्सीजन का प्रभाव काटना व ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग में जल टांडे पर उत्पन्न जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। आग में जब जल डालेंगे तो उत्पन्न जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है जिसे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है एवं इसमें उत्पन्न जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग मतलब क्या होता है, बुझ जाता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है क्योंकि इजिली अवेलेबल होता है, गांव में आग लाग जाए, तालाब होता, कुआं होता, सबसे ज्यादा लोग पानी फेंकना शुरू करते हैं, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के, ठीक है, आग से लगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्नि। आप पेट्रोलियम के ऊपर आग फेंकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या पेट्रोलियम जो होता है पानी पे क्या होता, तैरता है नहीं, तो आग बुझेगा जी नहीं। अब इसका प्रयोग करना है तो पानी में पेट्रोलियम पे डाल के आग लगाइए, पानी में आग पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा, और शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगा है तो उसमें आप मतलब पानी फेंकिएगा तो पानी से शॉर्ट सर्किट और फैलेगा, नहीं फैलेगा, और वो भयंकर रूप जी धारण कर लेगा। तो ये दोनों जगह पे सीओटी पानी का डालना प्रयोग है नहीं करते हैं, यहाँ पे सीओटी का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पे नियंत्रण हो जाता है।
इसमें विद्युत उपकरणों की कोई हानि नहीं पहुंचा। देखते हैं गांव कभी भी किसी व्यक्ति को आग अगर पकड़ लेता है, शरीर में आग अगर लग गया तो क्या करते हैं, कंबल वगैरह लेके या फिर सूती वस्त्र का कोई कपड़ा लेके जाते हैं, उनको लपेट देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वायु का संपर्क टूट जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होने से आग बुझ जाती है। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों पर भरी जाती है, अतः छोड़े जाने पर बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का ताप कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा फिर पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करना है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग को मतलब क्या करती है, बुझा देती है, ठीक है। कोई भी जो सार्वजनिक जगह होगा, पेट्रोल पंप वगैरह पे देखिएगा, सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, बालू रखा रहता है, ठीक है। अच्छा ये सब भी देख, पेट्रोल पंप पे जाइए आसानी से आपको दिख जाएगा, सेफ्टी के लिए मूवी वगैरह देखने चाहिए, हॉल में जाइए, मॉल में जाइए, तो सब जगह देखिएगा सिलेंडर होगा, ठीक है। उसके मतलब उसके मुंह पे मतलब क्या रखता है, पतला सा आप देखोगे वहां पे शीशा का कॉर्क लगा रहता है, जैसे उसको पटकेंगे तो शीशा का कॉर्क फूटता है, उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है। मोमबत्ती के ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है, ध्यान में, दोनों इसका अदीप्त क्षेत्र तरफ जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है, बिल्कुल सही है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हुए ज्वाला का निर्माण करते हैं, मोमबत्ती के दहन में उत्पन्न उत्पन्न ज्वाला के तीन विभिन्न क्षेत्र होते हैं, एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, दूसरा दीप्त होता है, तीसरा जो अदीप्त होता है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन के कण उपस्थित होते हैं, मोमबत्ती के ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। नीला रंग का क्षेत्र जो होता है, मोमबत्ती को जलाएंगे तो दो तरह का कलर बनेगा, एक पीला आप लोगों देखते होइएगा, ठीक जी, है, दूसरा क्या होगा, नीला दिखेगा। तो सबसे गर्म क्षेत्र जो होता है कौन सा होता है, नीला क्षेत्र होता है, नीला और नीला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो अदीप्त है, कैसा है, अधिक। अदीप्त क्षेत्र है, ठीक है, आप इसे याद रखोगे, इंपोर्टेंट। आप चलेंगे आगे चलेंगे, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, अपूर्ण दहन मतलब ईंधन पूरा नहीं जल पा रहा है, तो इसे विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व में, ठीक है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, बिल्कुल बनता है, सल्फर और, ठीक है, सल्फर और ध्यान में रखेंगे नाइट्रोजन के, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2NO2 वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, ये सही है, ये सही है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड, इसीलिए जब देखेंगे गांव देहात में जो खाना वगैरह महिलाएं बनती है तो काफी धुआं उत्पन्न होता है, तो बोला जाता है उसे खिड़की क्या करो, खोल दो, ठीक है, नहीं तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक फैल जाएगा, ठीक है, जिससे अधिक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए खाना बनाते वक्त अगर आप जलावन पे अगर खाना बना रहे हैं तो खिड़की वगैरह खोल देना चाहिए ताकि पर्याप्त ऑक्सीजन आ सके, ठीक है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, इंसान की जान जा सकती है, क्योंकि दम घोटू गैस है, कौन सी गैस है, ये अत्यंत विषैली दम घोटू गैस है, ठीक है। अधिकांश ईंधनों में दहन के पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी अधिक मात्रा से विश्व का वाष्पन का कारण बनता है, ठीक है, विश्व का उष्णन का कारण बनता है, मतलब गर्मी का कारण बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी प्रकार का प्रदूषक नहीं है, ठीक है, अगर पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक है तो प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो ध्यान में रखेंगे, सिंपली आपका टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ा का देता काम है। करता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा तो क्या हो, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर बनेंगे तो नदी और समुद्र का जलस्तर बनेगा, और जलस्तर जब नदी और समुद्र का जलस्तर बनेगा बाढ़ आएगा, तो बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अत्यंत दमघटू एवं और संदाक्षक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो SO2NO2 की वजह से क्या होता है, वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा ही अम्ल मतलब वर्षा अम्ल कहलाता है, ठीक है, एसिड रेन। वर्षा अम्ल फसल भवन और मृदा के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है, खास करके किसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, जो सफेद फसलों के मार्बल का, लिए जो फसल के लिए तो है ही, साथ में सफेद मार्बल का जो मोन्यूमेंट्स बने हुआ स्मारक बने, उसके लिए तो एकदम ये जहरीला, ठीक है, जैसे ताजमहल के लिए एसिड रेन क्या है, बहुत अधिक खतरनाक है, इसलिए भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था, ताजमहल के आसपास के, ठीक है, 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगेगा, क्योंकि एसिड रेन होने से ताजमहल को बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, नुकसान आपको देखने को मिल रहा है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं।
मोटर वाहनों से सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। अब सीएनजी क्या है, कभी कभी लिखा रहता है क्या सीएनजी पूरी तरीके से पर्यावरण मित्री है, बिल्कुल भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, जब ऐसा प्रश्न लगेगा तो गलत होगा। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करता है लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में करता है। क्या करता है, बहुत ही अल्प मात्रा में SO2, NO2 का उत्पादन करता है। जबकि पेट्रोलियम, दो तरह के वाहन होते हैं, एक डीजल इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, हल्का वाहन जो होता है पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, तो उससे मतलब क्या निकलेगा, नाइट्रोजन का गैसीय ऑक्साइड निकलेगा। भारी वाहन जो होता है उससे मतलब सल्फर निकलता है। ठीक है, डीजल के दहन से सल्फर निकलता है। ट्रैक्टर में बड़ा बड़ा जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है उससे क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, डीजल इंजन होता है वो। और जो पेट्रोल वाला इंजन होता है उससे क्या निकलता है, तो उससे आप देखोगे उससे क्या नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एसिडेंट पैदा करता है। जबकि सीएनजी क्या है, ये भी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं ना, ये भी निकलता है SO2, NO2, लेकिन अल्प मात्रा में। ठीक है, इसलिए पर्यावरण में पूरी तरीके से तो मतलब क्या करता है, से SO2, NO2 को नहीं हटाता, लेकिन फिर भी पर्यावरणीय दृष्टि से मतलब क्या होता है, बेहतर होता है। आदर्श ईंधन के बारे में क्या सत्य कथन है चुनेंगे, आदर्श ईंधन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सस्ता, आसानी में उपलब्ध है, वहन के योग्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये एक ऐसी गैसीय का अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करे, ये भी ठीक है। ये आसानी से जलने वाला तथा उष्मा, इसका उष्मीय मान क्या होता है, उच्च होता है। इसका उष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है, गलत है। ठीक है, उष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, आदर्श ईंधन का उष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, आदर्श ईंधन का उष्मीय मान अधिक है, ज्वलन ताप क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ठीक है, ज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, क्या है, तो पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के संदर्भ में देखते हैं, वन उन्मूलन, द डिफॉरेस्टेशन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार। पृथ्वी पे तापमान के स्तर में वृद्धि होता है डिफॉरेस्टेशन से, बिल्कुल। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, ठीक है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, मृदा के गुण अप्रभावित होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं सी पड़ता नंबर है। गलत है सर, ठीक है, तो पड़ता है ना, पढ़ता मृदा की जल है धारण सर, क्षमता घटती है, बिल्कुल। ठीक सी है, नंबर तो ध्यान में रखेंगे सी गलत है, क्योंकि मृदा का गुण भी क्या होगा, इनसे प्रभावित होगा। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, क्योंकि वनोन्मूलन क्या है, तो ध्यान रखेंगे वनोन्मूलन जो है, डिफोरेस्टेशन करेंगे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अवशोषण करने के लिए तो पेड़ तो है नहीं, इसी वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ता है और वैश्विक उष्णन होता है। वनों उन्मूलन से जल स्तर भी घट जाता है। मृदा के गुणों में परिवर्तित आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, इनमें मृदा का अपरदन होता है, अपरदन में मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा उर्वरता भी घटती है, अपरदन मस्तुलीकरण का कारण भी बनता है। ठीक है, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि के ऊपरी सतह में जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो बाढ़ की समस्या और अधिक मतलब क्या होती है, बढ़ा देती है। ठीक है, आप चलेंगे इस प्रश्न को देखिए, फौना एवं फ्लोरा से कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, एंडेमिक से भी पूछा है। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाना पेड़ पौधे के जीव जंतु को क्षेत्र को वनस्पति जगत को फ्लोरा एवं प्राणी जगत को फौना कहते हैं। पौधे और जंतु की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है उसको एक्सक्लूसिवली, ठीक है, क्या विशेष रूप से एक्सक्लूसिवली में पाई जाती है, उस क्षेत्र को विशेष स्थानिक प्रजाति थे इंडेमिक स्पेसिस कहते हैं। क्या सही, तो दोनों को दोनों सही है। अगर कोई पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के संदर्भ में बात करें तो उस क्षेत्र में वनस्पति जात जो होता है, जो विशेष रूप से केवल उसी क्षेत्र में पाते, उसको फ्लोरा कहेंगे, और प्राणी जगत जो उस क्षेत्र में विशेष रूप से पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं से भाई साहब, एक सींग वाला गैंडा जो है वो क्या, एक प्रकार का फौना है, जो कि मतलब कहाँ मिलता है, दुनिया में एक ही जगह पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, असम में सर, कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा असम के काजीरंगा में मिलता है। दूसरी जगह मिलता है क्या, और कहीं पे मिलता है क्या, तो विशेष क्षेत्र में मिलने वाला हो गया। कुछ ऐसा प्राणी, ऐसा कोई वनस्पति जात भी हो जाएगा जो कि केवल उसी क्षेत्र में मिलता है, तो उसका महत्व क्या हो जाता है। और ये विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाया जाने वाला स्थानिक प्रजाति जो होता है उसको कॉमन रूप से क्या, एंडेमिक स्पाइसिस कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक फ्लोरा फौना क्या है, एंडेमिक है, मतलब वो कहीं भी नहीं मिलेगा दूसरी जगह पे।
पौधे एवं जंतु की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण के हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला अभयारण्य, वह क्षेत्र जहां प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना तथा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध हो उसको अभयारण्य कहते हैं। गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वो स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक जैव है। आरक्षित क्षेत्र, अन्य जीवन पौधे एवं जंतुओं संसाधनों को, ठीक है, उन आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। बताए कौन सही है। कौन सही था? डी। ठीक दो और है, डी तीन में क्या मतलब सारे सही थे ना, सारे के सारे सही है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो देखेंगे आप देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों, ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों को देखेंगे तो उनके आवासों के संरक्षण के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल में बांटा है हमने। ठीक है, अभयारण्य कौन सा क्षेत्र है? तो अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना तथा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अतः ठीक है, जंतु एवं उसके आवास किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं जहां स्थानिक लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यही विशेषता इसे राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। राष्ट्रीय उद्यान अन्य जीवन के विकास के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन तथा कोर जोन में किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरीके से निषिद्ध होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह का मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो सकता, आप ध्यान में रखेंगे। अतः यहाँ वन्य जीव स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे वन्य जीवन पौधे और जंतु संसाधनों तथा उन क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन है तो विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित कहलाता है। यह इतने बड़े होते कि इनके अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए ये उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, जैव विविधता का किसी भी क्षेत्र में विशेष पाया जाने वाला है सभी पौधे जंतु और सूक्ष्म जीवों से मिलकर प्रजातियों से है, जैसे भरतपुर अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखिए इत्यादि संरक्षित क्षेत्रों में कुछ उदाहरण है। ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत भारत में वन संरक्षण अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर भी अस्तित्व में आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में 1972 में। पर्यावरण को लेकर कब आया, सॉरी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 83 1986 में। ठीक है, टाइगर को लेकर कब आया? 1973 73 में। हाथी को लेकर कब आया? हाथी था उन्हें 1992 में। 95 ठीक है, में 1992 में, ठीक है, 92 में। ठीक है, ये सारे के सारे की बात करेंगे तो इस संरक्षण अधिनियम जो लाया गया, ठीक है, संसद के द्वारा कानून बनाकर लाया गया, सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में आप देखोगे तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में। वन संरक्षण अधिनियम 80 में था ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम था 72 हम पर्यावरण 86 में था, वन्य जीव वाला है क्या? वन्य जीव वाला 72 नहीं है? में, वन जीव 72 है ना, वन है वहां। अरे वहां पे वन है भल्ला ही, ठीक है, हम यहाँ पे वन वन्य जीव सन कुछ है। ठीक है, जो भी हो देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कहाँ पे पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है, तो आपका डीपीएसपी में भी है। पर्यावरण का रक्षा करने का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व में है ना, कौन सा आर्टिकल्स कहता है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए? फोर्टी सर एट 51 क्या वन कहता है? फोर्टी 48 का एट पास 48 और 48 का ए क्या कहता है? एक जीव के लिए होगा, एक जंगल के लिए होगा। फोर्टी ठीक एट है, जीव के लिए। हाँ, एक 48 का ए होगा, ये बाद में शामिल किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्यूटी में बात करेंगे। ड्यूटीज में भी तो है ना, मतलब प्राणी प्राणी भाव के प्रति दया पात्र रखे, मतलब दया का स्वभाव रखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुत्ता मिला तो बस उसे 2-4 लाख लगा दिए, नहीं, उसके प्रति क्या लगता है, दया का भाव रखना है। ठीक है, ये आपका ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे सरकार ने देखा से, मतलब ये सब होने के बावजूद भी लोग में मार्मिक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मतलब नियम बना दिया। अब पोचरिंग वगैरह को सबको क्या करते हैं, गैर कानूनी साबित कर दिया। पहले के राजे महाराजे लोग जो थे पोचरिंग करना अपना शौक रखते थे। ठीक है, तो सबको क्या कर दिया, गैर कानूनी बना दिया। इसके लिए बहुत सारा विभिन्न पर्यावरण के लिए अधिनियम, विभिन्न जंतु के लिए अधिनियम, सब कुछ लेकर आया। ठीक है, और ये बहुत ही सख्त कानून का प्रावधान भी करता है, ठीक है, संसद के द्वारा।
अब चलेंगे, देखिए ये बहुत सुंदर प्रश्न, इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है कहाँ, कहाँ है बताइए? ये आदि प्रदेश, दो नदी के भ्रंश घाटी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है? नदी सतपुरा के पहाड़ी में है, ठीक है, और से दो नदी भी निकलती है, ठीक है, मतलब रिफ्ट वैली बनाती है ना, वहीं पे आपको मिलेगा पंचमढ़ी, ठीक है, एमपी में है, ठीक है। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो अन्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण है। बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी, ठीक है, तथा उड़ने वाला गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्रजाति है, ठीक है, स्थानिक एंडेमिक फौना, ठीक है। इस क्षेत्र में चट्टानों में आवास के शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों का प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले। कौन सही लग रहा है? सारे लग रहे हैं क्या सही? केवल एक गलत है, बाकी दो ये तीन क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है? तो इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी तो महाराष्ट्र में पड़ता नहीं, ये गलत होगा, ठीक है, केवल पेंच होगा। तो बोरी गलती बता देगा, पेंच नहीं बोरी ही है, ठीक है, देखेंगे। क्योंकि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पंचमढ़ी, मतलब पेंच नहीं है इसमें, ठीक है, बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो अन्य जीव अभ्यारण्य में। बोरी महाराष्ट्र में नहीं पड़ता, मुझे ध्यान है बोरी सर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पेंच भी तो महाराष्ट्र में, एमपी दोनों में। बोरी देखे तो महाराष्ट्र में है कि नहीं? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ठीक है, यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के टीक सगुन मिलते हैं, ठीक है। बाइसन, ठीक है, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्रजाति है। साल और जंगली आम, ठीक है, ये पेड़ इस क्षेत्र में स्थानिक प्रजाति है। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि यहाँ की वनस्पति जाति तथा चिंकारा, ठीक है, लील गाय, ठीक है, बार्किंग हियर, ठीक है, यहाँ पे मिलता है बार्किंग हियर, ठीक है सर। बोरी बोरी एमपी में है सर, अच्छा एमपी अच्छा नहीं ठीक है, है। होशंगाबाद। चलिए, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि यहाँ के प्राणी जाते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टानों में आवास और उनपे शैल चित्रकला के रूप में मानव की गतिविधियां, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखें। एमपी का कौन सा गुफा है जहाँ पे मानव के प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला आपको देखने को मिलता है, कौन सी गुफा है मध्य प्रदेश में? जिसका एचडी, हाँ, किसने खोज किया? एचडी संकालिया ना, नहीं नहीं गुणकार की क्या करके ना, एचडी संकालिया नहीं, क्या नाम उसका, गुणकार, गुणकार की गुणकार कौन है? ऐसा ही कुछ नाम है, देख लीजिए। तो वहां पे भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की? गुणकार की गुणकार, क्या नाम है उसका, चेक कीजिए। तो कौन है? रे डाटा बुक। रे डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में बात करें, यह पुस्तक जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, केवल तीन होगा। रेड डाटा बुक, ठीक है, यह वह मतलब पुस्तक है जो संकटग्रस्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रजातियों का लिस्ट रखा जाता है। इसमें एक होता है आयुसीएन स्टेटस, बीपीएससी में जब पूछता है तो बताइए इस जंतु का आयुसीएन स्टेटस क्या है, लुप्त प्राय है, संकटग्रस्त है, इस तरह का प्रश्न बनते हैं। तो कथन सही है परंतु एक आधो गलत है, क्योंकि रेड डाटा बुक पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कुछ संकटग्रस्त वन्य जीव हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित है। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के, ठीक है, जंतुओं का संरक्षण पाया जाता है, क्योंकि परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़े जंतुओं की अपेक्षा मोटे प्राणियों के लुप्त होने की संभावना के अधिक संभावनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए हाँ, मुझे याद आ गया, उसका नाम था बानकार है, ठीक है, विष्णुधर बानकार करके है, ठीक है, ठीक है, मतलब किसने किया था इसका खोजा? भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की? विष्णुधर बानकार, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं एचडी संकालिया नाबडा टोली का था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो सारे के सारे, ठीक है, सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक।
दो तरह के घटक होते हैं, एक होता है अजैव, एक होता है जैव। डिफाइन करेंगे क्या होता है अजैव और जैव? जैव पदार्थ जैसे अब जो घटक होता है वही वो जैव घटक होता है। अजैव खाने के पारिस्थितिकी बाद कौन तंत्र सा का खाना होता है? ये कौन सा डिफिनेशन मिलेगा जैव पदार्थों के साथ वो होता नहीं है, था जैव सर घटक होता है, प्रस्तुत। अजैव प्रकार? नहीं ये ऐसा बात कुछ नहीं होता। ठीक दोनों को सुनिए, मैं बता, दोनों के दोनों सजीव है, बात। दोनों को दोनों, ठीक है, सॉरी, दोनों को दोनों प्राकृतिक से ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों को दोनों से पारिस्थितिकी प्राकृतिक ही तंत्र है, ठीक के है। भाग नहीं, दोनों के दोनों ठीक है। प्राकृतिक है। देखिए, प्राकृतिक में दो चीज मिलेगा, एक आपको सजीव चीज भी मिलेगा, अब आपको निर्जीव चीज भी मिलेगा, ठीक है। हाँ अब उसी देखिए, को सजीव चीज निर्जीव में को क्या हो जैव जाएंगे? बोलते हैं। पेड़, पेड़ प्लस पौधे पौधे सब जो है होंगे इनसे जो प्राप्त होंगे, ठीक है, ये होगा जैव होगा, ठीक जैव। है। लेकिन ये भी प्राकृतिक का उदाहरण। अब आते अजैव, अजैव में क्या होगा? जल, कोयला कोयला होगा उसी से नहीं जलवायु, ठीक है, जलवायु, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये भी प्राकृतिक है लेकिन ये निर्जीव है, ठीक है। ये अजैव का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैव का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जो पेड़ पौधा से प्राप्त होगा। पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा प्लस जंतु क्या है? सजीव है ना। इनसे जो प्राप्त होगा ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, लेकिन ये क्या? निर्जीव। ये क्या? सजीव। तो सजीव से जो प्राकृतिक में प्राप्त होगा उसको जैव घटक, और जो प्राकृतिक रूप से निर्जीव में प्राप्त होगा उसको अजैव घटक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अजैव घटक में क्या आ जाएगा? ठीक है, भूमि, नदी, ठीक है, मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा तो इधर जैव में आ जाएगा। तो यही दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा, यही सटीक डिफिनेशन है जैव और अजैव का, ठीक है। अब चलते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार, ठीक है। 1 घंटा हो गया क्या? ठीक है, लास्ट चैप्टर करवा रहा हूँ, आधा कल करवा दूंगा कि खत्म करवा दें। खत्म करवा दीजिए सर। खत्म कीजिएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं सर 18 चैप्टर। नहीं सर नहीं सर, कल और करवा दीजिए। इसको तो पूरा अच्छा, कीजिए सर। कोशिका संरचना का प्रकार हाँ, तो इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांड है। बताइए कौन सा है? तो सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब कथन एक सही है। सूक्ष्म जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। जीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है तथा ऊतके के अंगों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम 1665 में कॉर्क की कोशिकाएं की खोज की गई, जिसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। हालांकि जीवित कोशिका को इन्होंने नहीं खोजा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका की बात के शुतुरमुर्ग का अंडा है, ध्यान में रखेंगे। अमीबा, ठीक है, मुर्गी का अंडा, पैरासीम, श्वेत कोशिका, WBC। उपरोक्त में से कौन सा एक कोशिकीय संरचना है? ठीक है, तो सारे के सारे एक कोशिकीय संरचना है, ठीक है। अमीबा भी, मुर्गी का अंडा भी, पैरासियम भी, या श्वेत कोशिका है, मतलब WBC भी। एकल कोशिका है, सिंगल सेल से बनी रचना, एक कोशिकीय, ठीक है। रचना का अंडा थे अमीबा, पैरासियम, मुर्गी का अंडा, WBC, सभी एकल संरचना के उदाहरण है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता बहुकोशिकाएं कहलाते हैं। एक कोशिका जीवों में एकल कोशिका से ही वे मूल प्रकार होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, सब एक कोशिका से। जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित होते हैं। अब चलिए, कोशिका के मूल घटक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग रहती है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसके सारे के सारे सही है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, सारे के सारे क्या है? सही है, तीनों कथन सही है। कोशिका के विभिन्न संगठन, कोशिका द्रव और केंद्रक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यह झिल्ली पौधे तथा जंतुओं की कोशिका को आवर्ती प्रदान करती है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग, ठीक है, कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं। केंद्र गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। कोशिका जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है।
केंद्रा के अंदर केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जीन धारक है तथा कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। यह वंशागुना तथा अनुवांशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ये सारा इंपोर्टेंट था, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। विषाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है, ठीक है। ध्यान में केवल केवल एक सही है, ठीक है। ध्यान में विषाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण नहीं है। ऐसी कोशिका जिन्हें सुसंगठित केंद्रक होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो क्या कहलाती है, यूकेरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव द्रव्य प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण। प्रोकैरियोटिक का किसका है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण, जो कि सही था। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है न ही यूकेरियोटिक है, ठीक है। ध्यान में रखिए, दो गलत है। यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव यूकेरियोटिक कहलाते हैं। प्याज तथा मानव की कोशिका इनके उदाहरण है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विषाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण, ये तो सही है, ठीक है। ध्यान रखें, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, गलत है, क्योंकि उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान, विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकेरियोटिक है, ठीक है। ध्यान रखें, दोनों इसके उदाहरण है, ठीक है। केवल इसका एक सही है, बाकी दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे विषाणु किसी का भी उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। अब चलेंगे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती है, इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। इसका 2 और 3 जो है आपका सही है। मतलब प्लास्टिड नामक रंगीन कोशिका केवल पादप में पाए जाते हैं, बिल्कुल प्लास्टिड तो जीव में नहीं होगा ना। जंतु कोशिका के अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती है, जो कि पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तियां होती है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिक्लवक होता है, तो गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। बाकी वही चीज है, पादप प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, विभिन्न अंगों को होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनमें कुछ हरा रंजक होता है जिसमें क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग में प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को क्या करते हैं, तो हरा रंग प्रदान करता है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी पादप कोशिका से बनी केंद्रिका केंद्रीय रिक्तियां होती है, ठीक है। अतः कथन 3 भी क्या है, सही है। अब बात करेंगे जीवाणु कोशिका में कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो क्या चीज की बनी होती है, पता ही आपको, काइटिन की बनी होती है ना, ये कवक में पाया जाता है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति कवक काइटिन में की बनी होती है ना। कैसे बोले, सेलुलोज का बना होता है ना सर। कवक में काइटिन का संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, या फिर तूर्य के रूप, ठीक है, कोशिका, या फिर सभी। तो कौन करता है, लंबी शाखान्वित तंत्रिका है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल जो है संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है, ठीक है। ध्यान रखें, मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कार्य और आकृति में भिन्न हो सकती है। संदेश प्राप्त करके उसके हस्तांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं आकृति में लंबी और शाखान्वित होती है। इस प्रकार रक्त कोशिकाएं गोलाकार तथा पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती है। ध्यान में रखिए, रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है, अच्छा तथा पेशी कोशिका कैसे तुर्क रूपी। तुर्क रूपी का मतलब क्या, ठीक है, स्पाइंडल शेप्ड मसल, ठीक है। कौन सी होती है स्पाइंडल शेप्ड मसल, कौन सी होती है, क्या होता है, पेशी, पेशी कोशिका, ठीक है। और लंबी लंबी संदेश वाला कैसा होता है, लंबी मतलब लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये गोलाकार वाला कौन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कौन सा गोलाकार वाला, कौन सा, रक्त कोशिकाएं होता है, ठीक है। जब किसी में कह रहे रेड ब्लड सेल दिया, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका लेसन 8 भी समाप्त हो गया। टोटल इसमें 16-17 लेसन है, आधा हम लोगों ने आज किया है, कल इसको करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप वीडियोस को, आप यहाँ पे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो सारा वीडियोज आपका जो होता है मिल जाते हैं। अगर आप इसको दोबारा पढ़ने में सक्षम नहीं, तो एग्जाम से पहले एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाए, एग्जाम में काफी अधिक हेल्प मिलेगा, ठीक है। चैनल का लिंक दे दिया, इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। कल के क्लास में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो थोड़ी देर के बाद आपके चैनल पे अपलोडेड हो जाएगी, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो लिंक शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप का, और बाकी अगर बीपीएससी का एकदम संगठित तरीके से तैयारी करना तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 तारीख से आपका मेंस की क्लासेस भी वहाँ पे शुरू होने वाली है, ठीक है, 1 तारीख से, चलिए, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स बनाना मुख्यतः ठीक सिखाया जाएगा, ठीक है।